हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट पुलाव। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कैसे कैसे बनाना है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने का इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। एक टुकड़ा दालचीनी, बड़ी इलायची, लाल मिर्च, उसके बाद जावित्री, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, यहाँ पे चीनी, नमक और ड्राई फ्रूट्स में लिया है हमने काजू और किशमिश। उसके बाद थोड़ा घी चाहिए और तो चाहिए चावल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावल को अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो देते हैं उसको। उसके बाद एक कुकर ले लेते हैं। कुकर के अंदर डाल देते हैं हम 2 चम्मच घी। अगर आपके पास देसी घी है तो वो डाल देना, उससे बहुत अच्छा खुशबू आता है। उसके बाद हम घी को थोड़ा सा गर्म होने के लिए दे देंगे। घी जब गर्म हो जाए तब हम उसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे और उनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि उनमें से अच्छा से एरोमा नहीं आता। उसके बाद हम काजू और किशमिश को भी डाल देंगे, उनको भी हम तकरीबन 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें उनका कलर नहीं चेंज करना है ड्राई फ्रूट्स का। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हमारे जो चावल थे ना भीगे हुए, वो चावल को डाल देंगे। चावल को डालने के बाद हम इसको घी के साथ 1-2 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, जब तक कि चावल थोड़ा एरोमा ना एब्जॉर्ब कर ले घी का, तब तक हम इसको भूनेंगे। और थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें चीनी और नमक डाल देंगे और चीनी और नमक को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और जब चीनी और नमक अच्छे से मिल जाए तब हमें उसमें डालना होगा पानी। तो पानी हमें कितना डालना है, हमने यहाँ पे 2 कप चावल लिया था तो उसी मेजरमेंट से हमें पानी लेना है। 2 कप चावल के लिए हमें 2 कप ही पानी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है वरना पुलाव गीले गीले बन जाएंगे। हमें 2 कप चावल के लिए 2 कप ही पानी चाहिए बस, और ज़्यादा नहीं लेना है पानी। और जब भी आप कुकर में पुलाव या फिर ऐसे कुछ बनाए बिरयानी राइस, तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो देखना आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। तो हम इसको अभी ढक्कन बंद कर देते हैं। ढक्कन बंद करने के बाद हम इसको 1 सीटी तक पकाएंगे। और 1 सीटी लगने के बाद हम इसको गैस बंद कर देंगे और फिर हम इसका सीटी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको अपने आप ठंडा होने देंगे, 10 मिनट रख देंगे। और इसके बाद ही हमें इसको ओपन करना है और फिर देखना है कि हमारे पुलाव कैसे बनते हैं। तो इसने 1 सीटी मार दिया है और मैंने गैस को भी बंद कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा पुलाव कैसा बना है। कहीं वो चिपकू चिपकू तो नहीं बना है या फिर खिला खिला बना है, तो देख लेते हैं। चलिए ये रहे हमारे पुलाव। और देखिए ये देखने में ही लग रहा है कि एक एक दाना है चावल का एकदम, ये देखिए। तो देखा आप लोगों ने, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने ये पुलाव को प्लेटिंग कर लिया है, तो देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना। सच मानिए ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।